Hello everyone, welcome to SRIRAM's IAS YouTube channel. This is your mentor Aarzoo Kakkar. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो. इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल्स दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आपको पहले ब्रीफ दे देती हूँ कि हम क्या कवर करने वाले हैं. तो हम बात करेंगे असुर कम्युनिटी के बारे में, आपके प्रिलिम्स के लिए यू कैन कनेक्टेड विद. एंड जैसे मतलब जब भी हम कोई भी कम्युनिटी देखते हैं, कोई ट्राइब के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या देखते हैं कि वो क्यों, कैसी लैंग्वेज वो बोलते हैं, कौन सी मतलब किससे वो बिलोंग करते हैं, कौन सी स्टेट में दे लीव प्राइमरीली, ऑक्यूपेशन में डिस्कस करते हैं और सोसाइटी उनकी जो है वो डिस्कस करते हैं. तो ये सारी बातें होंगी और रिलीजन के बारे में बातें होंगी. तो ये चीज़ें विल डिस्कस when we'll discuss this particular community. Then we'll talk about rosewood tree, why it is in use, where it is found, and इसी के साथ साथ हम sites के बारे में भी बात करेंगे आज, ठीक है. Chromium क्यों news में है, discuss it, उसके applications देखेंगे and various other things जो भी इससे जुड़ी हुई होंगी. वो एक valley इससे जुड़ी हुई है, so वो भी हम देख लेंगे geography perspective से. खर्ची पूजा कहाँ पर होती है, क्यों हम बेसिकली वाई इट इज ऑब्जर्व, वाई इट इज इन न्यूज, वो डिस्कशन होगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल टॉक अबाउट छांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ती है, एंड एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट दिस सेंचुरी ऑल्सो विल कवर. ये आज का सेशन रहने वाला है, प्रिलिम्स ओरिएंटेड है, थोड़े आर्टिकल्स आज ज़्यादा, तो डू रिवाइज ऑल्सो. देखो मेक श्योर कि ना, जैसे आज डेट आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट 15 दिन लगभग हो गए हैं जुलाई को, है ना. तो ऐसा करना है कि एक डेली रिवीजन होती है, एक मंथली रिवीजन होती है, और एक 15 दिन की भी रिवीजन होती है, 15 डेज. जो मंथ अब 15 दिन हो गए हैं ना, तो 15 दिन में जो जो आपने कवर किया है वो सारा रिवाइज करें. नेक्स्ट 15 डेज का जो कवर करेंगे वो 30th को रिवाइज करें, और फिर पूरे महीने का एक साथ रिवाइज करें. आगे बढ़ते जाओगे तो फिर और पीछे का कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो अपने लिए ही प्रॉब्लम्स पैदा करोगे. किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हो, दो चीज़ें चाहिए हैं, साइकिल है ये, रिवीजन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस रिवीजन, रिवीजन प्रैक्टिस, ये है की, ये की है. लेकिन हम क्या करते हैं, इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बाकी ये पढ़ा दो जी, वो पढ़ा दो जी, सब पढ़ा दो, और पढ़ते जाओ कुछ याद है नहीं, कोई फायदा नहीं है उस चीज का. तो ये ध्यान में रखना, रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर अपने स्केड्यूल में भी डालो. और सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट, कॉमेंट सेक्शन में यू आर गिविंग सच वंडरफुल फीडबैक्स, थैंक यू सो मच. एंड चलिए शुरू करते हैं फिर. अब न्यूज में ये कम्युनिटी इसलिए है, दिस असुर कम्युनिटी, सबसे पहली बात तो ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है. यूपीएससी ने सवाल पूछा था 4-5 साल पहले, प्रीवियस ईयर पेपर था, कि पीवीटीजीज आप कैसे क्लासिफाई करते हो कि ये पीवीटीजी है, कुछ क्राइटेरिया वो आप पढ़ोगे. पीवीटीजी आपके लिए होमवर्क है, ये डू study about them. Now this community that is residing in Netrhat Plateau region of Gumla, Jharkhand ki baat ho rahi hai kuch, to it will soon receive benefits under Forest Rights Act. To hum baat karenge is particular community ke baare mein. Ye jo community hai, belong to Austroasiatic ethnic group, small Austroasiatic ethnic group, primarily living in the Indian state of Jharkhand. मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, पलामाओ और वो region जो पड़ता है, these district, Gumla and other regions. Government has identified this community as one of the particularly vulnerable tribal groups. It is listed in that. 2011 के सेंसस के हिसाब से ये ट्राइब की पॉपुलेशन है अराउंड 23,000, असुर लैंग्वेज बोलते हैं, विच बिलोंग्स टू मुंडा फैमिली ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस. क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन, दे हैव अ रिच हिस्ट्री, ये आयरन स्मेल्टर्स भी रहे हैं,
नोन फॉर मेकिंग आयरन फ्रॉम द ओर. हंटर गैदरर्स भी रहे हैं वंस, दे लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग प्लांट्स. मेजॉरिटी ऑफ देम शिफ्टेड इन टू एग्रीकल्चर. 2011 के सेंसस के हिसाब से 91% ऑफ देम वर्क इन फार्मिंग. दे हैव नाउ बिकम फार्मर्स. आज के टाइम पे भी मेनी ऑफ द असुर पीपल आर वर्किंग इन माइनिंग. देयर इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी ऑफ आयरन स्मेल्टिंग गिव देम दिस आइडेंटिटी एंड दे क्लेम टू हैव डिसेंडेड फ्रॉम देयर एंशियंट असुरस. एंड अभी दे आर ऑल्सो अटैच टू माइनिंग वर्क एज वेल. सोसाइटी की बात करते हैं. दिस सोसाइटी इज डिवाइडेड इन टू 12 क्लैंस और उनके जो क्लैंस के नाम होते हैं वो एनिमल्स, बर्ड और फूड ग्रेन्स के नाम पे होते हैं. फैमिली इनके लिए सेकेंड मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है आफ्टर द क्लैन. इनकी खुद की कम्युनिटी काउंसिल है, जाति पंच बोलते हैं, जहां पर सारे डिस्प्यूट सेटल होते हैं. दे मेंटेन फ्रेंडली एंड किन लाइक रिलेशनशिप्स विद देयर नेबरिंग ट्राइब्स ऑल्सो, लाइक खारवार, मुंडा, बाकी नेबरिंग ट्राइब्स के साथ भी इनके टाइज हैं. दे शेयर ऑल द पब्लिक स्पेसेस विद देयर नेबर्स एक्सेप्ट फॉर द बरियल साइट. मेल्स धोती पहनते हैं, फीमेल्स वियर टैटू मार्क्स एंड अपॉन देयर बॉडीज ऑर्नामेंट्स की तरह. वो टैटूज बेसिकली दे डिपिक्ट एंड दीज टैटूज, दे हैव टैटूज ऑन द बॉडी सो दे डिपिक्ट द इम्पॉर्टेंट सिम्बल्स, लगा लो, दे सर्व एज ऑर्नामेंट्स फॉर देम. मैरिज की रही बात तो ये मोनोगैमी ही फॉलो करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ बेयरनेस बेसिकली मतलब एक्सेप्शन होता है इफ अ स्पाउस इज अनेबल टू हैव द चाइल्ड और इफ अ पर्सन इज विडोड, सो दे मे हैव मोर देन वन स्पाउस, देन दे मे फॉलो द रूल ऑफ बायगैमी और इवन पॉलीगैमी. बट लेकिन शादी अपने ही ट्राइब में करते हैं, एंडोगैमी. रही बात रिलीजन की तो दे हैव सेवरल बिलीव्स. इट इज अ मिक्सचर ऑफ एनिमिज्म, मिक्सचर ऑफ एनिमिज्म. एनिमिज्म मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, प्लेसेस, क्रिएचर्स, दे ऑल हैव स्पिरिचुअल सेंस. एनिमेटिज्म, दे बिलीव इन अ जनरल स्पिरिचुअल फोर्स दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. नेचुरलिज्म, नेचुरल एलिमेंट्स वर्शिप करते हैं, ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स. एंसेस्ट्रल वर्शिप, मतलब दे ऑनर एंड वर्शिप देयर एंसेस्टर्स. सो देयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल इट, ऑफ ऑल दीज. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल, हाल ही में साइट्स के फुल फॉर्म, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा. इन्होंने गाइडलाइंस इशू करी हैं अपने मेंबर्स के लिए इन्वॉल्व इन द सस्टेनेबल हार्वेस्ट एंड ट्रेड ऑफ रोजवुड स्पेसिमेंस. दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि जो ट्रेड है इन द रोजवुड, दे डजेंट हार्म दी स्पीशीज और इट्स एनवायरमेंट. तो ये इंश्योर करना कि रोजवुड कैन कंटिन्यू टू बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशंस, एक सस्टेनेबल तरीके से हार्वेस्ट हो. तो देर आर सर्टेन गाइडलाइंस दैट आर अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्सिबली हार्वेस्ट इट. रोजवुड ट्री जो है, इट इज अ ट्रॉपिकल हार्डवुड. ये आपको साउथ ईस्ट एशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सोलोमन आइलैंड, मलेशिया, यहां पर ये पाया जाता है. इट इज नेटिव टू दैट एरिया. सो दे मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ एशिया एंड पैसिफिक आइलैंड. इंडियन रोजवुड की बात करें तो नॉर्थ इंडियन रोजवुड इज नोन एज डेलबर्जिया सिसिसो. ये जो ट्रीज हैं ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं. दे आर फास्ट ग्रोइंग, हार्ड, वेरी टफ, डेसिडियस क्रूप्ड रोजवुड. दे लूज इट्स लीव्स सीजनली ऑल्सो. दे हैव अ मतलब इट हैज अ क्रूप्ड शेप. और कहाँ पाए जाते हैं? फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, अफगानिस्तान से लेके बिहार और मतलब ये पूरा आप लगा लीजिए ईस्ट पूरा. सो मोस्टली रिवर बैंक्स के आसपास आपको ये देखने को मिलेंगे. 200 मीटर से 1400 मीटर मतलब इनका एलिवेशन लगा लीजिए एट दिस एलिवेशन. लॉन्ग लीव्स, लेदरी लीव्स होती हैं, पिंक फ्लावर्स और वाइटिश फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे. नाउ इनके कॉमन नेम्स देखिए, ईस्ट इंडियन रोजवुड, ब्लैक रोजवुड, बॉम्बे ब्लैकवुड, इंडोनेशियन रोजवुड, मालाबार रोजवुड. सो देर आर कॉमन नेम्स.
हैबिटेट मैंने आपको बताया ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिड्यूस फॉरेस्ट, ऑल्सो इन द प्लेन्स एज वेल. डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इंडिया, नेपाल, अंडमान आइलैंड, इंडोनेशिया, हिमालयाज, यहां पर पाए जाते हैं. कॉमनली फर्नीचर के लिए यूज होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स के लिए यूज होते हैं. करंटली साइट्स में अपेंडिक्स टू में है. तो साइट से यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रीलिम्स में सवाल पूछा हुआ है. साइट्स एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट्स. इसका इंश्योर मकसद क्या है, ये इंश्योर करना कि एनिमल्स में और प्लांट्स में जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है वो इस तरीके से हो कि वो उनके सर्वाइवल को थ्रेटन ना करे. 1973 में साइट्स वॉज अडॉप्टेड एंड इट एंटर्ड इन टू फोर्स इन 1975. मेंबर्स इसमें 184 मेंबर कंट्रीज हैं. जो एग्रीमेंट है इट रेगुलेट्स ट्रेड इन मोर देन 38,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, मतलब मेंबर कंट्रीज मस्ट फॉलो इट, लेकिन इट डज नॉट रिप्लेस नेशनल लॉ. सो कंट्रीज नीड्स टू इम्प्लीमेंट इट थ्रू देयर ओन लीगल सिस्टम्स. इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉस. इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड इट कहां पर सेक्रेटरीट है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर. ठीक है, आगे बढ़े. क्रोमियम के बारे में पढ़ना है आज. क्रोमियम के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को कि टू लुक इन टू दिस इश्यू ऑफ क्रोमियम कंटेमिनेशन इन द ग्राउंड वाटर ऑफ सुकिंदा वैली इन द ओडिशाज जजपुर डिस्ट्रिक्ट. तो यहां बोर्ड हैज बीन इंस्ट्रक्टेड कि भैया इन्वेस्टिगेट करो इस मैटर पे एंड थरली और सबमिट करो एक डिटेल रिपोर्ट टू द NGT विद इन द नेक्स्ट 4 वीक्स. क्योंकि यहां पर बात एनवायरमेंटल कंसर्न की है, हेल्थ कंसर्न की है, दैट विल बी अराइजिंग फ्रॉम द क्रोमियम पॉल्यूशन इन दैट रीजन. नाउ व्हाट इज क्रोमियम? क्रोमियम एक नेचुरल एलिमेंट है दैट इज फाउंड इन रॉक्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सॉयल, इन द वॉल्केनिक डस्ट, गैसेस, ये पाया जाता है. हार्ड ग्रे सॉलिड विद अ मेटालिक लस्टर. हार्ड ग्रे सॉलिड एंड यू कैन सी दैट मेटालिक लस्टर पिक्चर में साफ साफ नजर आ रहा है. अब क्रोमियम जो है, देर आर टू फॉर्म्स ऑफ इट. मैं आपको सारी बातें बताऊंगी. अब इसकी दो फॉर्म्स हैं, लिखा हुआ भी मिलेगा, डोंट वरी, अभी एक बार रिवाइज हो जाएगा, शॉर्ट में बता रही हूं. ट्राइवेलेंट एंड हेक्सावेलेंट. तो इसकी दो फॉर्म्स हैं, ठीक है. जो ट्राइवेलेंट है ना, मतलब ऐसा लगा लीजिए इट इज सेफ फॉर ह्यूमंस, लेकिन हेक्सावेलेंट क्रोमियम इज टॉक्सिक टू अस. सो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, यू विल फाइंड इट इन रॉक्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सॉयल, वॉल्केनिक डस्ट. मेटेलिक लस्टर है इसमें, हार्ड ग्रे सॉलिड है, और इसमें दो फॉर्म्स हैं, ट्राइवेलेंट क्रोमियम एंड हेक्सावेलेंट क्रोमियम. हेक्सावेलेंट वाला टॉक्सिन है, ट्राइवेलेंट वाला इट इज सेफ फॉर ह्यूमंस. अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं. जब एयर में एक्सपोज होता है तो सबसे पहले रस्ट नहीं होता, लेकिन जब इसको जलाया जाता है, व्हेन इट इज हीटेड, लगा लीजिए, इट बर्न्स एंड इट क्रिएट्स अ ग्रीन सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड क्रोमियम ऑक्साइड. व्हेन एक्सपोज टू ऑक्सीजन तब क्या होता है, क्रोमियम फॉर्म्स अ थिन लेयर, थिन ऑक्साइड लेयर ऑन इट सर्फेस. ये लेयर प्रिवेंट करती है कि फर्दर कोई रिएक्शन नहीं हो विद ऑक्सीजन एंड इट प्रोटेक्ट्स द मेटल दैट इज बिलो इट. तो ये इसकी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं. एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं. व्हेन इट इज एडेड टू आयरन, स्टील, अलॉयज, तो क्रोमियम मेक्स देम हार्डर. हार्ड है ना ये, सो इट मोर रेसिस्टेंट टू रस्ट है ये, इजिली रस्ट नहीं होता. सो इट एनहांसेस द हार्डनेबिलिटी एंड रेसिस्टेंस टू करोजन एंड ऑक्सीडेशन. स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूस करने में, नॉन फेरस अलॉयस में क्रोमियम का यूज होता है. एलॉय स्टील में, प्लेटिंग ऑफ द मेटल्स, पिगमेंट्स, लेदर प्रोसेसिंग में, कैटलिस्ट की तरह, सरफेस ट्रीटमेंट्स में, तो यहां पर क्रोमियम इज यूज्ड. मतलब इसकी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, एप्लीकेशंस भी बहुत है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग टू ऑटोमेटिव केमिकल प्रोडक्शन. सो इट इज वैल्यूएबल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. अब जो हमने बात करी थी वो थी वैली की.
न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो वैली है इट कंटेन्स 97% ऑफ इंडियाज क्रोमाइट ओर डिपॉजिट्स. लार्जेस्ट ओपन कास्ट क्रोमाइट ओर माइंस इन द वर्ल्ड यहाँ पर है. और ये देखा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 70% सरफेस वाटर और 60% ड्रिंकिंग वाटर के अंदर हेक्सावेलेंट क्रोमियम है, दैट इज टॉक्सिन. ये वैली उड़ीसा में है तो वहां के लोगों के लिए ब्राह्मणी रिवर जो है वो एकमात्र वाटर सोर्स है फॉर द रेजिडेंट्स एंड द ट्रीटमेंट फैसिलिटीज आर एक्सट्रीमली लिमिटेड देयर. ठीक है, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विश किया हर किसी को, पर्टिकुलरली द पीपल ऑफ त्रिपुरा ऑन द ओकेजन ऑफ खर्ची पूजा. ये पूजा त्रिपुरा का मेन फेस्टिवल में से एक है. जुलाई अगस्त के महीने में ये परफॉर्म होता है ऑन द 8th डे ऑफ न्यू मून. खर्ची में मतलब इसके अंदर खर मतलब होता है सिन एंड ची मतलब क्लीनिंग, तो क्लिनजिंग ऑफ आर सिंस. बहुत पाप करते हैं हम, उनको धोना भी जरूरी है. ठीक है, इट अकर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अश्रद और शुक्ल अष्टमी डे. इसके दिन छानताई जो कि रॉयल प्रीस्ट है, 14 गोड्स आर वर्शिप बाय द रॉयल प्रीस्ट. 7 दिन के लिए होती है ये एंड इट टेक्स प्लेस एट ओल्ड अगरतला इन द 14 गोड्स टेम्पल नोन एज चतुर्दश देवता टेम्पल प्रिमाइसेस. यहाँ पे जो खर्ची पूजा की जो डाइटीज हैं, दे डोंट हैव अ फुल बॉडी, दे हैव ओनली हेड्स विच आर वर्शिप्ड. पूजा के दिन 14 गोड्स आर टेकन फ्रॉम द टेम्पल टू द रिवर साइद्रा बाय द वो लोकल प्रीस्ट, रॉयल प्रीस्ट, शंताई मेंबर्स एंड गिवन बाथ विद द होली रिवर वाटर. फिर वापस से टेम्पल ले जाया जाता है. तो पूरे त्रिपुरी जो ऑथेंटिक त्रिपुरी ट्रेडिशंस हैं वो कंप्लीटली किए जाते हैं एंड इट इज रिलेटेड टू दैट. नेक्स्ट आर्टिकल इज योर छांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. व्हाई इट इज इन न्यूज, कॉन्टेक्स्ट क्या है? जुलाई में जैसे जैसे मतलब आपको पता है ना, टूरिस्ट एक्टिविटी पीक्स ड्यूरिंग द समर रश. कंजर्वेशनिस्ट कंसर्न है अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस ऑन दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये जो सेंचुरी है यहाँ पर आपको यूनिक एनिमल्स देखने को मिलेंगे. इट इज होम टू एंड अ फ्रेजाइल एनवायरमेंट that are increasingly under threat due to these factors. तो यहाँ conservationists highlight कर रहे हैं कि dangers that are posed by these activities to the sanctuary's biodiversity and they are urging for more sustainable practices to protect this ecosystem. Let's talk about this sanctuary. ये आपको छांगतांग प्लेटू, ले डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख की, वहां पर यह पड़ती है. लद्दाखी छांगतांग प्लेटू इन द ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, इट इज वेल लोकेटेड देयर. 1600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे ये स्पैन करती है. हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाटर लेक्स इन द वर्ल्ड में से इट इज वन ऑफ इट, इंक्लूडिंग तुसो मोरिरी, पैंगोंग तुसो एंड तुसो कार. सुंदर तो बहुत है बट यूनिक वाइल्ड लाइफ भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, बर्ड की स्पीशीज देखने को मिलेंगी. तो जिस तरीके का हाई एल्टीट्यूड टेरेन है एंड दिस प्रिस्टाइन लेक्स, दे प्रोवाइड क्रूशियल हैबिटेट फॉर एनिमल्स लाइक तिब्बतन वाइल्ड लाइफ, स्नो लेपर्ड एंड वेरियस अदर बर्ड स्पीशीज. दिस रीजन इज होम टू नोमैडिक पेस्टोरल कम्युनिटीज, प्राइमरिली छांगपा ट्राइब who follow this lifestyle, herding yaks, goats, sheep across the grasslands. Tibetan Buddhist culture yahan par aapko dekhne ko milega. It includes one of the world's highest villages, Korzok village. Aur tourists wahan par aate hain for this Korzok monastery. Tibetan wolf, jaise maine aapko bataya, brown bear, kafi unique animals aapko dekhne ko milenge and it is home to almost 200 species of wild plants also that grow in the pastures, right? So this was this sanctuary. Do revise whatever we have done today and whatever we have covered so far in the last 15 days. This was it for today.
उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा हो. कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. विल मीट यू इन अदर सेशन विद अदर आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर. गुड लक. गुड विशेस. दिस इज योर मेंटर आरज़ू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.